हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्राई ने कुछ नए नियम निर्धारित किए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए टाटा स्काई ने अपने सब्सक्राइबर से कहा है कि वो अपने चैनल पैकेजों का चुनाव फिर से करें। तो इस बात की जानकारी टाटा स्काई खुद भी दे रहा है कि किस तरह से चैनल का चुनाव किया जाए और किस तरह से इस प्रोसेस को फॉलो किया जाए, और YouTube पर भी बहुत से इस तरह की वीडियो मिल रहे हैं। अब अगर हमने कभी हाल फिलहाल में टाटा स्काई से संबंधित कोई भी चीज़ इंटरनेट पर सर्च की होगी तो YouTube को अपने आप ही पता चल जाता है कि ये लोग जो है इस तरह के जो है हमारे यूज़र्स जो है टाटा स्काई से संबंधित चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने सर्च किया है, तो इनके होम पेज पर इस तरह के वीडियोज़ डालने चाहिए। तो मैंने भी हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें सर्च की थी, मुझे होम पेज पे बहुत से इस तरह के वीडियोस दिख रहे हैं। उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही टीडियस है। इसमें स्टेप बाय स्टेप बहुत से चैनलों का चुनाव करना पड़ेगा, पैकेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर अल्टीमेटली कुछ जाके एक एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ अपने तरह का एक चॉइस का एक पैकेज मिल पाएगा। जनरली देखा जाए इस तरह का कोई काम हम लोगों ने जो है पहले किया नहीं था। एक बंडल पैक मिला करता था और उसको हम लोग सेलेक्ट करते थे, उसमें से देख लेते थे कि कौन से हमारे मतलब का चैनल है कि नहीं है, और उसको ले करके काम चला लिया करते थे। अब टाटा जो है ट्राई ने ऐसी स्कीम लगाई है तो लोगों को लग रहा होगा कि जो है जो हम पहले चैनल देख रहे थे वो अब कुछ सस्ते में मिल जाएंगे। ऐसा है नहीं। अगर हम जितने चैनल पहले देख रहे थे अगर आज उतना ही चैनल देखना चाहेंगे तो उसका रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और सिंगल सिंगल चैनल हम लोग सेलेक्ट करने जाएंगे और सोचेंगे अपना पैकेज बना लें उतने ही चैनलों का, तो सिंगल सिंगल चैनल सेलेक्ट करने में भी बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि जो है ये चैनल वालों ने बहुत स्मार्टली डिज़ाइन किया हुआ है अपने पैकेजेस। वो चाहते हैं कि आदमी पूरा उनका बंडल खरीद ले। बंडल खरीदने में सस्ता है और सिंगल सिंगल लेने जाएंगे तो महंगा हो जाएगा। तो जो है ट्राई ने अपना जो है कस्टमर के कन्वीनियंस का ध्यान रखा है, लेकिन जो चैनल वाले हैं वो लोग नहीं चाहते किसी तरह से उनकी रेवेन्यू कम हो, या जितने भी वो चैनल उन्होंने ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं सब के सब किसी न किसी तरह से जो है पब्लिक के पास पहुँच जाएँ। तो इस स्थिति में हम क्या करें, किस तरह से जो है कम समय अपना खर्च करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतलब के चैनल का हम चुनाव कर पाएँ, इसको कैसे किया जाए, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ टिप्स जो है मैं आपको आगे चल के दूंगा वीडियो में, ताकि आपका समय भी कम लगे और जो है आपका काम भी हो जाए उतने ही पैसों में जितना आप पहले दे रहे थे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हम चैनलों का इस प्रोसेस को फॉलो कैसे करें। तो आप चाहे टाटा स्काई के ऐप पे जाइए या माई टाटा स्काई की वेबसाइट पे जाइए, वहीं पे आपको टॉप पर जो है चैनल के नहीं सॉरी वेब पेज के टॉप पर आपको वहां से इस प्रोसेस को कंप्लीट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पे देखिए, आप यहां पे क्लिक करते हैं, इसके बाद आप आगे प्रोसीड करते हैं। तो पहले आपको यहाँ पर जो है अपना सब्सक्राइबर आईडी या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपको याद हो आप आसानी से इसको यहाँ भर दीजिए। एक ओटीपी जनरेट होगा, ओटीपी भरने के बाद आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको पूरा इंटरफेस सामने दिखने लगेगा। अब देखिए यहाँ दो तीन तरह के पैकेजेस हैं प्री डिफाइंड। एक तो है कि आपके प्रीवियस सिलेक्शन के आधार पर यहाँ पर दिया गया है, अगर आप एक रिकमेंडेड पैक दिया गया है इसको सेलेक्ट करते हैं तो उसी को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको करीबन इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा 500 से ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो ये एक सेक्शन बिल्कुल बेकार। इसके बाद एक नया ये सेक्शन है जहाँ पर टाटा स्काई कुछ अपने रिकमेंडेड पैक दे रहा है जो उसने अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं, उसे आप दे सकते हैं। तीसरा सेक्शन है ये ओवरऑल जितने भी पैकेज अवेलेबल हैं वो यहाँ पर हैं, यानी जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं उन्होंने जो पैकेज बनाए हैं, जैसे कि सभी टाटा स्काई के ब्रॉडकास्टर एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, सोनी वाले स्टार वाले बता रहे हैं कि हमारा यहाँ पैकेज ले लिए, तो यहाँ पे वो मिलेंगे। और सिंगल सिंगल चैनल अगर आप लेने जाएंगे एक एक करके तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें हैं और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे चुनाव करते हैं।
मैं ये वीडियो यहीं पे रोक रहा हूँ इतनी, और जो है आगे में अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे स्मार्टली आप और कम समय का इस्तेमाल करते हुए और चैनलों का चुनाव कर लेंगे और जो है कुछ पैसे भी बचा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल भी देख लेंगे। तो इतनी सब बातों का को अगर आप जानकारी मिली हो, आपको कुछ अच्छा लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको कुछ अच्छा लगा, मेरा उत्साह बना रहे और मैं जल्दी से जल्दी एक नया वीडियो आपके अपने चैनल पर डालूं कि जिस जो मैंने बातें कही है कि मैं अगले वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मेरा उत्साह बढ़े। तो इसी सब बातों के साथ मैं यहाँ अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।